और पढ़ाई खत्म होने के बाद एक जो बोझ होता था बच्चों के ऊपर, वो स्ट्रेस कम करने के लिए, उनको जिंदगी के लय में लाने के लिए आज सेंट मेरी स्कूल में शुरू हुआ है प्रोग्राम समर कैंप। और देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर भारी तादाद में बच्चे मौजूद हैं और खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। अभी हमने आपको वीडियो दिखाई और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। क्या नाम बेटा आपका? मारिया सिद्दीकी। मारिया सिद्दीकी कहाँ पर रहती हैं? बिजनौर। बिजनौर में कौन से मोहल्ले में? जालू बस स्टैंड। जालू बस। कौन सी क्लास में हैं आप? फर्स्ट ए। फर्स्ट ए में। कुछ कहेंगी मम्मी पापा से? मम्मी पापा देख रहे हैं आपको, कुछ कहेंगी मम्मी पापा से? अच्छा, पढ़ाई का कितना स्ट्रेस रहता है आपको ऊपर? कितना कितना कितनी देर पढ़ती हैं रोज? एक घंटा। एक घंटा पढ़ती हैं। कितने परसेंट मार्क्स आए मेरे? एक छोटी और बच्ची है, क्या नाम बेटा आपका? जोर से बताइए। कृतिका। कौन सी क्लास में हैं आप? अच्छा, कुछ सुनाइएगा, गाना याद है कुछ? पढ़ाई पढ़ाई करती रहती हैं पूरे दिन हैं? कितनी देर पढ़ती हैं? एक घंटा पढ़ते हैं सारे बच्चे। और ये देख सकते हैं आप, कोई बड़ा बच्चे से मैं बात करूंगा, ये गुड़िया है मेरे साथ। क्या नाम गुड़िया आपका? सौम्या विष्णु। सौम्या कौन सी क्लास में है? सेवेंथ। सेवेंथ में। आज ये प्रोग्राम चल रहा है कल से, कितने दिन का प्रोग्राम है? 20 डेज का। और कैसा लग रहा है इस वक्त आके आपको? हमें बहुत अच्छा लग। अच्छा, पढ़ाई के अलावा और क्या क्या करते हैं आप लोग? पढ़ाई के अलावा हम थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह, अपने आप को फिट रखने। सिंगिंग वगैरह करते हो? नहीं। सिंगिंग पढ़ाई पढ़ाई करते हैं सिर्फ। फिट रखने के लिए क्या करते हैं सर? थोड़ी बहुत एक्सरसाइज। अच्छा, कुछ जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, क्या नाम आपका? माधव। माधव। माधव, एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, कच्चे पेड़ पर पका पपीता, पके पेड़ पर कच्चा पपीता, ये बोल के दिखाओ। कच्चे पेड़ पर। जोर से जोर से। कच्चे पेड़ पर पका पपीता, पके पेड़ पर कच्चा पपीता। अच्छा, सारे बच्चे यहाँ आ जाओ पास में, थोड़ा सा इसके पास आ जाओ, सारे आ जाओ, सारे छोटे छोटे। यार कितनी अच्छी बच्ची है, क्या आ जाओ, सब आ जाओ, सब बड़े भी आ जाओ, छोटे छोटे का मतलब ये है सब बड़े भी आ जाओ। अब चलिए, अब जोरदार एक नारा, ये एक बार, ये एक बार और ये। अब आप बताइए, क्या नाम आपका? मरियम फातिमा। मरियम फातिमा, कौन सी क्लास में है? सेकंड ए। गाना याद है कोई? अच्छा, गाना याद है किसी बच्चे के? सिंगिंग करता कोई याद है आपको? सुनाइए जल्दी बढ़िया सा। वतन वतन मेरे, जोर से कैमरे की तरफ, आबाद रहे तू। वतन वतन मेरे, आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं, याद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं। इससे अच्छा गा सकता है कोई? कितना अच्छा गाना गाया कोई, गा सकता है इससे अच्छा गाना? सिंगिंग इससे अच्छी कोई कर सकता है बच्ची से? बहुत अच्छा गाना गाया। आइए जल्दी, आज छोटा सा हाथ आया बाहर निकल के। जी बताइए, नाम बताइए सबसे पहले। सबसे पहले मम्मी पापा को आई लव यू बोलिए जोर से। मम्मी पापा, जोर से ये कहिए, मम्मी पापा। इधर देख के, इधर देख के कैमरे में, मम्मी पापा आई लव यू, जोर से जोर से। मम्मी पापा आई लव यू। अरे वाह, क्या नाम बताया आपने? लविश का। गाना कौन सा सुनाएंगे? सुनाइए जोर से। कैमरे पे देख, चलो क्लैपिंग कर दो इसके लिए यार, बहुत तेजी के साथ जल्दी। हाँ जी 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 जी, सब गाने गा रहे, कौन गाएगा गाना? सब सब गाइए, सब गाइए एक साथ, एक साथ गाइए। चलिए हैं ग्रुप, ग्रुप सिंगिंग, ग्रुप सिंगिंग। जी ग्रुप सिंगिंग आप करेंगी। अच्छा, एक चीज बोलिए, कच्चे पेड़ पर पका पपीता, पके पेड़ पर कच्चा पपीता, जल्दी जल्दी बोलिए तेजी के साथ। कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़ पे कच्चा पपीता। एक बार और बताइए जल्दी से तेजी के साथ। कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़ पे कच्चा पपीता। आप बोलिए, आप बोलिए सामने देख के। कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पका। एक बार फिर कोशिश कीजिए। सिंगिंग कौन करेगा? सिंगिंग, सिंगिंग कौन करेगा? और ग्रुप सिंगिंग मैम करेंगे, ग्रुप सिंगिंग कीजिएगा। कौन करेगा? आप करेंगे, आप करें। इधर आइए, इधर 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 जी, इधर 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 देख, इधर देख। तारों ने पूछा तारों से, सबसे प्यारा जोर से पापा, मेरे पापा। अच्छा, किसको ज्यादा प्यार करती है, मम्मी को पापा को? पापा को। मम्मी को क्यों नहीं? मम्मी मारती? मम्मा नहीं मारती, पर पापा हर चीज पूरी करते हैं, इसलिए पापा। पापा हर चीज पे यस कर देते हैं क्या? कैसे? जैसे गिफ्ट लाते हैं, है ना, पिक्चर ले जाते हैं दिखाने, घुमाने ले जाते हैं। मम्मी नहीं ले जाती? मम्मा भी लेके जाती है। मम्मी तो इतना बढ़िया बढ़िया आपको, मम्मा भी लेके जाती है, पर मम्मा कहती है कि पापा, पापा से ज्यादा प्यार करो। आप करती हैं कि मम्मा कहती हैं कि पापा से ज्यादा प्यार करो? मैं करती हूँ।
आप प्यार करती हैं ज़्यादा, मम्मा नाराज़ होंगे अब देख के आपको, अब लंच नहीं दिया करेंगे आपको दोपहर को जब आएंगे आप पढ़ने के लिए स्कूल में, देंगी? अच्छा आप बताइए जी, बताइए क्या नाम आपका? पावी। क्या कौन सा गाना सुनाएंगे? गिरी नंदिनी। सुनाइए जोर से। गिरी नंदिनी नंदी तमी दिनी विश्व विनु दिनी नंदनु ते गिरी वरविंद शिरु दिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णु नु ते भगवती हे शीति कंठ कुटुंबिनी भूरी कुटुंबिनी भूरी कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्या कपर्दिनी शैल सुते। गुड़िया के लिए क्लैपिंग तो कर दो भाई, सबसे लगा यार बढ़िया से, एक बार जोर से ये। और बताइए कौन अच्छा लगता है घर में, मम्मी लगती है पापा लगता है, कितने भाई बहन है ये बताइए? एक। आप समझदार हैं तो बताना पड़ेगा इनको दोनों हैं। कौन सी क्लास है? फिफ्थ। क्या करते हैं पापा आपके? गवर्नमेंट सर्वेंट। कहाँ पे? मोहम्मदपुर देमल। अच्छा मोहम्मदपुर देमल ब्लॉक। तो आप बड़ा बन के, बड़ा होके जब बन जाएंगी आप और सर्विस करेंगे तो कहाँ पे जाना चाहेंगे? कंट्री या फिर नहीं नहीं तो क्या बनना चाहेंगी? आईएएस बनना चाहेंगी, डॉक्टर? आईएएस क्या होता है? एक अधिकारी। अधिकारी तो वीडियो भी होता है, सीडी भी होता है, फादर भी अधिकारी हैं, यहाँ तो मैनेजर है। आईएएस क्या क्या काम होते हैं? आईएएस का कोई बताएगा आईएएस का क्या काम होता है? किसी को पता है? बच्चों को, बड़े को, आपको पता है? अच्छा चलिए, और घर पे किसको ज़्यादा प्यार करती है, मम्मी को पापा को? दोनों को। क्या चीज़ पसंद है ज़्यादा खाने में? कुछ। अच्छा यहाँ क्यों आ गए स्कूल में? बोरिंग स्कूल, पढ़ाई 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 हर वक्त पढ़ाई रहती है, बट स्कूल में कुछ एंटरटेनमेंट हुआ है तो इसलिए मैं आई हूँ। समझदार बच्ची है, क्लैपिंग करो इसके लिए बहुत बढ़िया करके। और कौन बोलेगा? जल्दी आओ बात कर, जल्दी आओ, छोटा सा बच्चा हो कोई ये कौन? अच्छा क्या नाम आपका? कुहू। अरे वाह कुहू कुहू, एक बार कुहू कुहू कह के दिखाओ जोर से, तीन बार कहो कुहू 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 कुहू। अच्छा मम्मी पापा को आई लव यू बोलो एक बार। आई लव यू। ऐसे थोड़ा ही एहसान नहीं करना मम्मी पापा पे, कैमरे पे देखे मम्मी पापा आई लव यू, मम्मी पापा आई लव यू। कौन से किससे ज्यादा प्यार करते हैं, मम्मी से पापा से? एक से बताओ। अच्छा किसी एक से चुनना हो तो किसको चुनोगे? दोनों को। किसी एक को? अच्छा दादा दादी हैं? हाँ। दादा दादी हैं। अच्छा मम्मी पापा को ज्यादा प्यार करते हो, दादा दादी को? दोनों को, सबको। अच्छा दो गाँव गए तो चार हो गए सबको। अच्छा गाना सुनाइए कोई सा। अगला मां मजबूरी नु आन जान पसूरी नु जहर बने खाते जावा मैं पूरी। इधर आ जाओ, पीछे आ जाओ बच्चों, कैमरे पास आ जाओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, यहां आ जाओ, इधर आओ, यहां आ जाओ, यहां बनाइया करते रहो अच्छा आप आओ, आप जोर से बताओ नाम अपना। यथार्थ सिंह। अच्छा आप कहो नीली रेल पीली रेल, जोर से कहो। नीली रेल पीली रेल। ना नीली रेल, नीली नीली रेल, दो नीली नहीं नीली, जोर से कहो, जोर से नीली रेल, नीली रेल। सही गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं, जल्दी बताओ, जोर से बताओ, आप बताओ इस पे कहो कैमरे पे, नीली रेल पीली रेल, नीली इधर देखो इधर, जोर से नीरी नहीं नीली, नीली क्या है सही बताओ, नीली रेल नीली नहीं नीली, नीली 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 नीरी रेल। और कौन बोलेगा ये बता, ये बोला पीछे से, जोर से बोलो, नीली रेल नी 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 नीरी नीली नीली हाँ हाँ, ये बोलेगी ये बोलेगी, ये बहुत अच्छी बच्ची है। इधर देखो कैमरे पे, नाम बताओ अपना पहले, जोर से बोलो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नीली नी नीली नीली रेल किसे कहते हैं चाहिए बताइए, रेल किसे कहते हैं, किसी को पता है रेल किसे कहते हैं? ट्रेन को कहते हैं, ट्रेन, ट्रेन को कहते हैं। यहाँ आओ, यहाँ पे आओ, नाम बताइए अपना, नाम बताइए। नव्या। रेल किसे कहते हैं? ट्रेन को। ट्रेन किसे कहते हैं? रेल। रेल को। हाँ अब बोलो नीली नीली, इधर बोलो नीली नीली रेल पीली रेल।
अब जल्दी से बोलो इसको, नीली रेल इधर कैमरे पे देखे, कैमरे पे देखे। चलिए और किसी को कुछ बताना है? चलो एक बार जोरदार ताली बजा दे। ये और ये छोटे छोटे बच्चे, कोशिश की थी मैंने इनसे इनके साथ एंटरटेनमेंट करने की, और इस स्कूल के जो मैनेजर हैं फादर शादू साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। सर किस तरह से ये प्लान आया कि एक समर कैंप रखा जाए जिससे बच्चों का एंटरटेनमेंट हो? ये समर कैंप में बच्चों का केवल एंटरटेनमेंट ही नहीं है, ये फन, स्किल और नॉलेज का है। तो फन भी है, स्किल भी है, और इसके इन लोग नॉलेज भी ले लेते हैं। हमारे स्टाफ लोगों ने सुझाव दिया था कि गर्मी के समय पर बच्चों के लिए कुछ अलग से कुछ करा जाए, तो मैंने उनको हाँ कह दिया था, जिसके कारण बच्चे बड़े उत्सुकता से, कल पेरेंट्स बता रहे थे बच्चे 4:30 बजे उड़ के तैयार हो रहे थे, बड़े उत्सुकता से इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए आए हैं। हम लोग सबसे पहले 1.5 घंटे के लिए योगा और जुम्बा डांस करते हैं, उसके बाद जो भी बच्चे अन्य जो भी फील्ड चूज कर दिए हैं उस फील्ड में भेजते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर मार्शल आर्ट का है और स्केटिंग का है, बैडमिंटन का है, डांस का है, म्यूजिक का है, बैंड सेट का है, सबका ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो बच्चों का बड़ा उत्साह दिखता है और अच्छा लगता है कि बच्चे इसमें से फ़ायदे उठा रहे हैं। अभी और पेरेंट्स पूछ रहे हैं हम भी भेजें, तो हम बोलते हैं ये बहुत अच्छा, पेरेंट्स का भी सहयोग की ज़रूरत है। पेरेंट्स इसी प्रकार के कार्य द्वारा पेरेंट्स के साथ मिलकर हम बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, तो इसका एक झलक आज दिख रहे हैं। हकीकत यह है कि बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी इस माहौल में पढ़ाई करनी पड़ रही है, और बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं, माँ बाप को भी पूरी तरह से स्टडी में बिल्कुल तल्लीन रहना पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ता है, तभी बच्चे अच्छे मार्क्स ले कर पाते हैं। अभी फादर ने बताया कि बच्चे यहाँ पर आने के लिए 4:30 बजे उठ जाते हैं, वैसे 7:25 का टाइम है तो भी बच्चे उठने को तैयार नहीं होते, क्योंकि बच्चों के ऊपर लोड बहुत है, स्कूल है, ट्यूशन है, फिर होम स्टडी है, होमवर्क है, तो ये छोटे मोटे प्रोग्राम बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ताकि खेल तो लगभग ख़त्म हो चुके हैं, पूरे दिन पढ़ाई के बाद फिर बाकी टाइम मोबाइल ले लेता है, जो आउटडोर गेम्स हैं जो बच्चों के विकास के लिए ज़रूरी होते हैं वो तो ख़त्म ही, लगभग एक तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। बड़ा अच्छा लगा आज यहाँ पर आकर के, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी तरह से सक्सेसफुली तरीके से ये प्रोग्राम चलता रहेगा। धन्यवाद।